अस्सलाम वालेकुम माय ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। वेल, टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आपका भाई जा रहा है अजरबैजान बाकू में, और आपको दिखाने वाला हूं मैं अजरबैजान की बहुत सी डिफरेंट प्लेसेस, और क्या एक्सपीरियंस ये मेरा रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इस वक्त मैं हूं इब्ने बतूता बस स्टेशन, यहां से मुझे शटल लेनी पड़ेगी जो कि मुझे अबूधाबी लेके जाएगी। 12 बजने में 10 मिनट रहेंगे हैं, सुबह 6 बजे की मेरी फ्लाइट है। ये शटल है ब्लू कलर की, अगर आपको नजर आए, ये लेके जाएगी सीधा अबूधाबी एयरपोर्ट के अंदर। और कौन सी एयरलाइन है, विजो एयरलाइन है वैसे, उसके अबाउट में डिटेल से आपको बताऊंगा जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं एयरपोर्ट पर। इस वक्त मैं हूँ अबूधाबी एयरपोर्ट के अंदर। तकरीबन एक घंटा मुझे लगा दुबई से अबूधाबी आने में, जो इनकी शटर सर्विस थी। सीन मेरे साथ ये हो गया, मुझे लगा कि ये जो इनकी शटर सर्विस है ये बेसिकली फ्री है, 24 आवर्स ये फ्री है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेल, मुझे पे करना पड़ा 35 दिरहम मुझे पे करना पड़ा, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट मंथ से ये फ्री है, आप कभी भी एयरपोर्ट के लिए जाना चाहते हो तो इट्स टोटली फ्री, बट अभी आपको पे करना पड़ेगा 35 दिरहम। गाइस, बोर्डिंग शोर्डिंग हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटा मैंने वहाँ पे वेट किया, क्योंकि उनका एक ही काउंटर था विस एयरलाइन का, जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया। फिर बाद में उन्होंने 2 से 3 काउंटर किए जो उन्हें करने पड़े, क्योंकि आवाम पीछे बहुत ज़्यादा थी। विस एयरलाइन का जो टिकट रेट है वो बहुत ही सस्ते हैं, तकरीबन 400 दिरहम। अब जो टिकट ये मुझे मिली है 400 दिरहम में, आप कहो कि ये मुझे रिटर्न टिकट मिली है और साथ में आगे ट्रांसपोर्ट भी है, तो आप देख लो 400 दिरहम में इतनी अच्छी प्राइस में आपको टिकट मिल रही है, तो आपको पता है कोई भी ट्रैवल करेगा लाजिम करेगा, और मैं कहता हूँ कि ट्रैवल करना चाहिए। ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ पे आप ज़रूर विज़िट करो जो वीज़ा ऑन अराइवल है, पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बंगालियों के लिए जो वीज़ा ऑन अराइवल है आप ज़रूर जाओ, क्योंकि इस टिकट का जो फ्रेट है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 400 दिरहम, 300 दिरहम और 500 दिरहम, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवलिंग अब आसान हो चुकी है, इतनी मुश्किल नहीं है। पहले था कि हाँ टिकट की प्राइस ज़्यादा रहती थी, तकरीबन 1000 दिरहम का टिकट है, 1500 का टिकट है, 2000 का टिकट है, तो बंदा सोचता था ट्रैवल करने से पहले, लेकिन अभी विज एयरलाइन ने बेसिकली इसको बहुत ही ईजी कर दिया है, तो आपको भी ज़रूर 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 ट्रैवल करना चाहिए। विज एयरलाइन के अबाउट मैं आपको बता देता हूँ। विज एयरलाइन बेसिकली 2004 में ये लॉन्च हुई थी, और जर्मन एयरलाइन है ये। अब ये पूरे यूरोप को कवर करती है, और अभी जो रिसेंटली इसका जो रूट लॉन्च हुआ है वो है टर्की का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके अबाउट, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ टर्की ट्रिप का, तो होपफुली कि इस ट्रिप के बाद या फिर इससे नेक्स्ट ट्रिप के बाद मैं टर्की का प्रॉपर तरीके से प्लान करूँ और आपको भी दिखाऊँगा टर्की का ट्रिप। तो फ़िलहाल तो सुबह के 5 बज रहे हैं, भाई की आँखें देखो आप, थका हुआ हूँ, अभी तक सोया नहीं हूँ यकीन करो। अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, मिलता हूँ आपको सीधा बाकू एयरपोर्ट पर। 2 से 3 घंटे की ये फ़्लाइट होने वाली है, तो प्लेन पे भी सोऊंगा और यहाँ पे भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, तो आपको वहीं पे मिलता हूँ बाकू एयरपोर्ट पे। तो गाइस फाइनली इस वक्त मैं बाकू एयरपोर्ट के बाहर, और आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ। ये है बाकू का एयरपोर्ट, और यहाँ से आपको टैक्सीज वगैरह और क्या नाम है बस वगैरह मिल जाएगी। बस 3 घंटे की ये मेरी फ़्लाइट थी, तो फ्लाइट में इतना मज़ा तो आया नहीं है, बस 3 घंटे मैंने जैसे गुजारे हैं वो मुझे पता है। तो जैसे ही मैं बाहर पहुँचा हूँ तो फिर वीज़ा मैंने अप्लाई किया है। इसके 2 तरीके हैं वीज़ा लेने के, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, उसकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, 2 दिन में आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अगर नहीं तो वीज़ा ऑन अराइवल है, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को और भी काफ़ी नेशनलिटीज़ हैं उनको वीज़ा ऑन अराइवल है, आप आओ और सीधा पासपोर्ट को स्कैन करो और $30 जो है इनके वीज़े की फ़ीस है वो पे करो और वीज़ा आपको मिल जाएगा। इसने मुझे पिक करना था यहाँ एयरपोर्ट से और जो सिटी तक लेके जाना था हो
होटल तक लेके जाना था भाई, वो तो ना मेरा फ़ोन उठा रहा है और बिल्कुल गायब ही हो गया वो। एक तो लैंग्वेज का बड़ा इशू है यहाँ पे। सेकंड, अभी मैंने सिम बाई की है उसकी वजह से, एयरपोर्ट से सिम बाई किया, 32 मनात की मुझे ये सिम पड़ी है, ये महंगी पड़ी है, बट मुझे बाय करनी पड़ी बिकॉज मैंने उसको कॉल करनी थी। प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने उसको कॉल की, वो कॉल ही नहीं उठा रहा मेरी। अभी मुझे टैक्सी पे जाना पड़ेगा, टैक्सी से बेहतर है, मैंने किसी से पूछा है, बोल्ट का बोल रहे हैं कि बोल्ट यहाँ पे ज़्यादा सस्ती पड़ती है, तो बोल्ट मैंने इंस्टॉल की है, तो उसमें जो फेयर आ रहा है वो है क्या नाम है 7 मन्नत का, यहाँ से तकरीबन 34 किलोमीटर्स बनते हैं, लेकिन फिर भी आप 7 मन्नत में वहाँ पे पहुँच जाओगे सिटी में। रूम में चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद फिर एक्सप्लोर करते हैं अब बाकू को। जो जो प्लान किया है आज की प्लेसेस को विज़िट करने का, वो आज विज़िट करेंगे हम इंशाल्लाह फुल प्लान के साथ, तो मेरे साथ ही रहिएगा। How are you, brother? Oğlum necesin kardeş? Oğlum de okey, yaxşı yap. I'm losing energy, I run away. They say was left to me. All these toxic traits, not worth the wait. So guys, ये है होटल सिटी वॉल जहाँ पे मैं 4 दिन रहूँगा, आपको दिखा देता हूँ। सिटी वॉल्स, वाओ, इट्स अमेजिंग प्लेस।